नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आसमान से टूटा कुदरत का कहर, दिल्ली डूबा हुआ है। बता दें कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गुरुवार सुबह 3 घंटे की मूसलाधार बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। कई जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और दोस्तों काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम हो गया है, खास तौर पर दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के नरसिंहपुर स्ट्रेच, बसई और गोल्फ क्रॉस एक्सटेंशन रोड के पास वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लग गया है। दिल्ली की ओर जाने वाला नेशनल हाईवे 48 और सोहना रोड पर भी भारी जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। खेड़की दोला और राजीव चौक के बीच NH 48 पर यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है। यहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिससे वाहन कछुए की रफ्तार आगे चल रही है। वाहनों की धीमी रफ्तार के कारण उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें ऑफिस पहुंचना है। पीक ओवर में स्थिति और भी खराब हो सकती है, इससे आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हो सकती है। नरसिंहपुर के पास NH 48 से जुड़ी कॉलोनियों में रहने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इस निचले इलाके की ज़्यादातर सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हैं, जिससे स्कूल बसों के लिए यहां से बच्चों को ले जाना असंभव हो गया है। इस समय उत्तर भारत के अंदर भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। इस समय दिल्ली के अंदर हाल बेहाल है। 1 हफ्ते से दिल्ली में बारिश नहीं रुक रही है। यमुना नदी उफान पर आ गई है, क्योंकि हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बता दें कि पहाड़ी राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर पिछले 2 हफ्तों से मूसलाधार से अत्यंत भीषण मूसलाधार बारिश हो रही है। बादल फटने जैसी बारिश हो रही है, जिसके चलते मैदानी राज्य में भयंकर बाढ़ आ गई है। राजस्थान के अंदर पिछले 3 दिन से दोस्तों धूप नहीं निकली है। पूरे राजस्थान के अंदर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। टोंक, सीकर, जोधपुर समेत अन्य जिले पानी में डूब चुके हैं। भयंकर बाढ़ बर्बादी देखी जा रही है। यही हाल हरियाणा, पंजाब का है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी गंगा नदी ने रौद्र रूप दिखा दिया है। बिहार भी डूबा हुआ है। बिहार में कोसी, गंडक, बूढ़ी गंगा, गंगा नदी उफान पर चल रही है। हजारों गांवों में भयंकर बाढ़ बर्बादी देखी जा रही है। आप सभी से विनती है कि नदी नालों से दूर रहें, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें। वीडियो को लाइक शेयर करें।